हेलो एवरीवन। सो आज हम एक चैप्टर करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का पहला लेक्चर। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जो है ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी काफी क्लोजली मीट। हमारा पूरा बॉडी जो है, हम इसे अगर स्टडी करते हैं तो हम इसे बायोलॉजी कहते हैं, बट यहाँ पर हम इसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। एटॉमिक लेवल पर जाएंगे, किसी सेल के अंदर क्या होता है। हम जनरली बोलते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट बायोलॉजिकली सेल होता है ना। लेकिन ये सेल जो है ये एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। सो किस तरह का केमिकल है उस सेल में, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, इन सब चीजों में किस तरीके का मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको स्टडी करना हमारा काम होता है बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स जो है इसका अगर डेफिनेशन आप लोग आओ इसका जो डेफिनेशन होता है, हम लोग कह सकते हैं सिंपली बायोमोलिक्यूल्स आर बायो मॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज दे बिल्ड They build up the living system. And responsible for their growth and maintenance. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बहुत फेमस है, सब कुछ बायोमोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है, जैसे कि तुम्हारा डीएनए, आरएनए, देन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारे बायोमोलिक्यूल्स की बेसिक्स। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे, कहीं एक जगह से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत वास्ट चीज है। हम इसे एक छोटे जगह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा अमाइनो एसिड्स एंड देन यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा प्रोटीन का। ठीक है, सो पहला चीज जैसे मैंने कि कहा कि हमें क्या पढ़ना है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? बहुत कोई इसे एमिनो एसिड भी प्रोनाउंस करते हैं, सो गो एज यू लाइक। एमिनो एसिड और अमाइनो एसिड, ये ऐसा कंपाउंड नाम से ही क्लियर दिखा रहा है, अमाइन ग्रुप होता है इसमें और एसिड ग्रुप रहता है। अमाइन ग्रुप रहेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा। अमाइन ग्रुप आपको याद है, NH2 होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड COH। अगर ये दोनों ही कंपाउंड किसी चीज में एक साथ है तो उसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज NH2, ओके दिस इज कार्बन, हियर इट इज एनी अल्काइल ग्रुप, देन दिस इज COOH। सो एज यू कैन सी हियर, दिस पोर्शन इज योर अमाइनो ग्रुप एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड साइड चेन। ठीक है, मैं इन चीजों को लिख दूं, ये जो है हमारा अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, मैं सिंपली एसिड ग्रुप बोल रहा हूँ। ओके,
शॉर्ट में। और ये एल्काइल साइड चेन एल्काइल ग्रुप, साइड चेन, ये एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इन जनरल एक अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड के फिर फर्दर हमें नाम देखने होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन देखना होगा। ये सारी चीजें हमारी अमाइनो एसिड में, ठीक है। एक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल कैसा बनेगा मैं बना के बताता हूं। जैसे एक का नाम है ग्लाइसिन, नाम आपको याद रखना होगा, ओके, नाम याद रखना है। ग्लाइसिन कैसा होता है देखो, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, सिर्फ बदलता कहाँ है, ये आर के प्लेस पे चेंज होगा। तो आर के प्लेस पे अगर आप एच लगा दो सिंपली, तो ये बन जाएगा हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बारे में एक चीज हमेशा नोट करके रखना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आप लोगों को मैंने क्लास 11 में बताया था, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है जब उसके चारों हाथ में चार अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं। लेकिन यहां पर देखो, इसके दो हाथ में सेम चीज है, इसका मतलब ये कार्बन जो है ये काइरल कार्बन नहीं है। रिमेम्बर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को क्लास 11 में, तो इसी वजह से ग्लाइसिन जो है इज द ओनली अमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये एकमात्र ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसीलिए यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, कौन सा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? सो आंसर इज ग्लाइसिन। इसके दो हाथ में दो हाइड्रोजन, ओके। एक एग्जाम्पल भी हमने अमाइनो एसिड का सीख लिया। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं, ठीक है, एक एक टाइप हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप। NH2 ग्रुप कहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप से, इसे कहते हैं हम लोग, इसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारा अमाइनो एसिड जो होगा वो होगा अल्फा बीटा एंड गामा अमाइन। सो अल्फा अमीनो एसिड क्या होगा, एक एग्जांपल बताऊंगा। इसको कैसे दिखोगे, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ये फंक्शनल ग्रुप, अगर ये कार्बन है, अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट इसके बाद वाला कार्बन मेरा क्या होता है, अल्फा कार्बन। यस और नो, जस्ट इसके बाद वाला कार्बन मेरा अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पर ही NH3 ग्रुप अटैच्ड है, सॉरी NH2, देन दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो। बीटा अमाइनो एसिड में क्या होगा, नथिंग स्पेशल, इंस्टेड ऑफ अल्फा पोजीशन उसके लिए बीटा पोजीशन पर। ये कार्बन के हाथ में कुछ होगा, इसके बाद वाले कार्बन के हाथ में कुछ होगा, उसके साथ NH2 अटैच्ड होगा। सो जैसा कि हमें पता है कि ये पहला कार्बन अल्फा होता है, दूसरा कार्बन बीटा। एंड सिमिलरली गामा अमाइनो एसिड भी बोला जाता है, सो इट स्टैंड नथिंग, जैसा कि आपने समझा, ये तीन कार्बन के फिर अटैच्ड। और इसके हाथ में क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है कैसा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना।
भी हो सकता है। सो दिस इज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। क्लियर हो गया पहला वाला, इजी था। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एनएच टू विथ रिस्पेक्ट टू सीओएच। ठीक है, दूसरा आ जाओ। दूसरा हम लोग आ जाते हैं, नाम एग्जाम्पल में यहां बता दूंगा तो ठीक रहेगा, यहां मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया, एक का एग्जाम्पल के साथ ही लिख लो, यहां पे लिख देता हूँ। चलो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं NH2CH CHCOOH। दूसरा ले लेते हैं, आप लोग मुझे बताओ कौन सा अल्फा अमाइनो एसिड है, कौन सा बीटा अमाइनो एसिड है, एंड सो ऑन। COOH, फोर CH2। मैं इनका नाम लिख दे रहा हूं इसके नीचे याद रखने के लिए कि बाद में काम आ सकता है। इसका नाम तो मैंने पहले ही बताया, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसीन, दिस इज कॉल्ड एस्पार्टिक एसिड एंड दिस इज नथिंग बट विटामिन सी। एस्पार्टिक एसिड इज नथिंग बट विटामिन सी, विटामिन सी को एस्पार्टिक एसिड कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज लाइसीन। नाउ कौन सा इसमें अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गामा है, वीडियो को पॉज करो और चेक करो अपना आंसर, मुझे बताओ। आई होप सबका समझ में आया होगा। यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और ये अल्फा कार्बन से अटैच्ड, ये सिंपली अल्फा अमाइनो एसिड। सेकेंड वाले में आ जाओ, यहाँ पर एक्चुअली दोनों तरफ से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल हैं। यहां से अगर हम लोग नंबरिंग देखेंगे तो ये अल्फा कार्बन होगा और इधर से अगर हम लोग जाएंगे तो ये अल्फा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग चेन आप किधर से सिलेक्ट कर रहे हो वहां से आप इसका नंबरिंग करोगे। सो हम लोग नंबरिंग लीस्ट सब्स्टिट्यूशन जहां से आए उधर ही से नंबरिंग होता है। नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 एंड डिपेंडिंग ऑन दैट दिस इज ऑन अल्फा कार्बन। सो दिस इज अगेन अल्फा माइनस। समटाइम्स कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है अल्फा बीटा अमाइनस। सो प्लीज चेक फॉर योर रेफरेंस आपके बुक में क्या लिया जाए। ओके अगेन यहां पर आप देखोगे ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है और ये मेरा अल्फा कार्बन है और यहाँ ऐसे चार कार्बन और अटैच्ड है, फिर NH2 एक, तो अल्फा कार्बन के साथ भी NH2 है, सो इसे हम अल्फा अमाइनो एसिड। तो एक्चुअली ये सारे ही अल्फा अमाइनो एसिड हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग। क्लियर हुआ पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन सेकेंड टाइम, दिस इज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, एंड नॉन इसेंशियल। अच्छा देखो, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल किस सेंस में कहा जाए। सपोज करो कि आपको किसी चीज की जरूरत है और वो आपके घर पे खुद अवेलेबल है। ठीक है, सपोज आपने छत पे गार्डन लगाया है और गार्डन में सब्जियां होती हैं बहुत सारी, तो सब्जियां आपको अपने छत पे मिल जाती हैं। तो चावल आपके छत पे नहीं मिलता आपको, तो आपके लिए चावल इसेंशियल है या फिर सब्जियां इसेंशियल, बताओ। एक सिंपल सा क्वेश्चन। यस, जो चीज आपके पास अवेलेबल है वो इसेंशियल नहीं होता क्योंकि वो आराम से अवेलेबल मिल जाता है,
लेकिन जो आपके पास अवेलेबल ना हो वो आपके लिए इसेंशियल बन जाता है। यही हमारे बॉडी में भी होता है। जो अमाइनो एसिड हमारा बॉडी खुद ब खुद बना लेता है खाने के साथ, हम लोग जब खाना खाते हैं उससे, या हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है उससे, अगर अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज हो जाए तो वो नॉन इसेंशियल होता है। और अगर वो सिंथेसाइज ना हो, हमें बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़े उसका, एज इन अ फॉर्म ऑफ दवा, दवा खाते हैं ना हम लोग, हॉर्लिक्स पीते हो ना, कॉम्प्लेन पीते हो, उसमें देखना लिखा रहता है अमाइनो एसिड, एक बार रीड करना। सो उसमें जो इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको दिया जाता है आउटसाइड से, वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। सो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं दोज अमाइनो एसिड, दोज अमाइनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर नोन एज नॉन इसेंशियल। ओके, आर नोन एज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ऑन द अदर हैंड हम लोग क्या कह सकते हैं, वाइल विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, सो मस्ट बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट आर कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, इतना मुश्किल भी नहीं है ना? सो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है और इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, ये क्लियर? अब आपको पता होना होगा कि इसेंशियल कौन है, नॉन इसेंशियल कौन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो ये तीन कॉलम आप याद रखना। सबसे पहले हम लिखेंगे इसेंशियल वाले, फिर हम लोग लिखेंगे कंडीशनली नॉन इसेंशियल, कंडीशनली नॉन इसेंशियल, फिर हम लोग लिखेंगे नॉन इसेंशियल। अच्छा, एक कंडीशनली नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे बॉडी में बनता तो है। अच्छा, ये मैंने लिखा नहीं, आप बस सुन लो, प्लीज नोट डाउन कर लेना। इसेंशियल मतलब हमारे बॉडी में इतना बनता है कि हमें बाहर से जरूरत नहीं है। सॉरी, नॉन इसेंशियल मतलब, नॉन इसेंशियल मतलब हमें जरूरत नहीं है बाहर से खाने की, हमारे बॉडी में इनफ बन जाता है, कोई जरूरत नहीं। कंडीशनली इसेंशियल नॉन इसेंशियल मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में बनता तो है, इसको कंडीशनली नॉन इसेंशियल या फिर इसको कंडीशनली इसेंशियल भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है हमारे बॉडी में बनता तो है पर इनफ अमाउंट में नहीं बनता है। प्लीज नोट डाउन, दोज अमाइनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बट नॉट सिंथेसाइज्ड इन प्रॉपर अमाउंट, जितना हमें जरूरत होता है उतना नहीं बन पाता है, इसलिए इसे कंडीशनल इसेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। इसेंशियल में होता है हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन एंड मिथियोनाइन। कंडीशनली इसेंशियल में होता है आर्जिनाइन,
एस्पारा जाइन, ग्लूटामाइन एंड ग्लाइसिन, एंड नॉन एसेंशियल में होता है एलानाइन, एस्पाराटेट, साइस्टाइन एंड ग्लूटामेट। ठीक है, तो इसमें से कोई एक अमाइनो एसिड का नाम लेके आपसे पूछेगा कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। बहुत बार पूछा गया है स्पेशल एग्जाम में, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल वाली। ठीक है, एसेंशियल वाली नॉन एसेंशियल वाली आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया दो तरह से क्लासिफिकेशन इसका अमाइनो एसिड का। ये क्लियर हुआ या नहीं बताओ? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट जो है एक और नाम होता है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको पता है कि इसका दो टाइप होगा ऑब्वियसली। और ऑप्टिकली एक्टिव के एक्टिव्स के लिए ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के लिए दो टाइप के होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेवो अमाइनो एसिड एंड डेक्स्ट्रो अमाइनो एसिड। ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, तो ये लेक्चर हम लोग और बड़ा नहीं करते हैं, यहीं तक रहने दे रहे। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ज्विटर आयन, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड देन सम स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ सम अमाइनो एसिड, देन पेप्टाइड, देन प्रोटीन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पूरा प्रोटीन कवर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट होता हो तो मुझे जरूर बता।